आंध्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का एमएलसी के शब्बीर अली और पोंगुलेती सुधाकर सहित आज विधानसभा परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक शानदार स्वागत किया गया है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने का फैसला किया है और तेलंगाना टीडीपी अध्यक्ष एल रमना को दोष ठहराया क्योंकि तेलुगु देशम नेताओं ने उनके खिलाफ टिप्पणी की रोक नहीं की, बताते हुए कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे जल्द ही उनके खिलाफ लगाए आरोपों पर स्पष्टीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक षड्यंत्र है जो कि संविधान को स्थिर बनाने के लिए की गई है और कहा कि इन सभी धोखाधड़ियों को पार्टी कार्य पर असर होगा।